बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सैयद हुसैन हैदर लाहौर से। इस वक्त मैं खानगढ़ आया हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है, और ये तकरीबन मुजफ्फरगढ़ से कोई 25 किलोमीटर दूर है। और मैं इस वक्त तौहीदाबाद के अंदर हूँ और मुसर्रत बीबी हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ, जो कि एक बेवा हैं और उन्होंने बहुत मेहनत से जो है अपने घर को चला रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। माशाल्लाह से मुसर्रत बीबी के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। सबको या किसी काम पर लगाया हुआ है या वो पढ़ा रही हैं, और इनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं जो इन्हीं से मैं पूछता हूँ। जी मुसर्रत बीबी साहिबा, जो है बड़ी मेहरबानी कि आपने वक्त निकाला। ये बताएं मुसर्रत बीबी के, आपने ये छोटा सा जो कारोबार है चूड़ियों का, ये कब शुरू किया? ये हो गए 3-4 साल से हो गए हैं। अच्छा, और आपने छोटा सा कारोबार शुरू किया? पहले चलाया था कारोबार, फिर अच्छा। ये भाई आ गई है पैसे तो है ना, फिर आपने कर्जे हंसा लिया। हाँ, और फिर अपने चूड़ियों के कारोबार को आपने और बढ़ाया। तो ये सारा घर का खर्चा वगैरह निकाल नकूल के सारा करके तो कितने पैसे अब बच जाते हैं आपको? हाँ जी, ये बच जाता होना मेरे के 5-6 हज़ार। आप बता रही थी कि ईद के दिनों में ज्यादा पैसे बच जाते हैं। हाँ जी, वो कितने बच जाते हैं आपको? 20 हज़ार रुपया। अच्छा माशाल्लाह, तो ईद की 2 ईदें जो होती हैं उसमें 20-25 हज़ार रुपए आपके माशाल्लाह बच जाते हैं। तो ये अच्छा कारोबार है ना, खावतीन के काम करने के लिए बड़ा अच्छा कारोबार है। अच्छा जी माशाल्लाह, तो आपने बताया अम्मा के आपके जो बेटे हैं वो 6ठी जमात में पढ़ रहे हैं, 7वीं जमात में पढ़ रहे हैं, और एक बेटी 5वीं जमात में और एक 10वीं जमात में, और एक स्कूल में नौकरी कर रहा है। तो आप इनको क्या बनाना चाहती हैं? आप मैं बनाना चाहती हूँ कोई डॉक्टर बने, कोई टीचर बने, कोई मास्टर बने। माशाल्लाह, और आप कह रही थी एक बेटी चाहती है कि वो जो है सरकारी जो है ना वो नौकरी भी करे, कोई ना कोई ना है ना, सिविल सर्विस एग्जाम दे वो माशाल्लाह से। देखें जी कैसे बड़े ख्वाब हैं। और अम्मा जो है, हालांकि इनके जो खावंद हैं वो 8 साल पहले इस दुनिया से चले गए और बहुत सारे इनको मसले मसाइल आए, मगर अम्मा ने बहुत हिम्मत की और अपने बच्चों को भी संभाला, उनको तालीम भी दी, उनको तरबियत भी दी और अपना घर को भी बड़े जो है ना खूबी से चलाया। ये बहुत हिम्मत की बात है अम्मा, बहुत ज़बरदस्त, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एक हीरो हैं और लोग जो है आपको देख के जो है ना उनको जो है वो कुवत और ताकत मिलेगी कि वो भी कोई ना कोई काम करें। अम्मा तो ये आप बताएं अम्मा कि जब आपके खावंद इस दुनिया से चले गए तो क्या आपके रिश्तेदारों ने आपकी मदद की थी? नहीं, कोई नहीं करी। अब आप ये देखें ये कैसा जमाना आ गया है, ना आपके ससुराल ने की कोई कोई नहीं। हाँ जी, और ना आपके अपने घर वालों ने की, तो आपको खुद सब कुछ करना पड़ा। बट आपने हाथ नहीं फैलाया, आपने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें कि कैसे अम्मा ने मेहनत की और आपको जो है स्कूल सुपीरियर स्कूल ने अलबत्त आपकी मदद की और आपके बच्चों को तालीम भी दी। माशाल्लाह, इस दुनिया में बहुत सारे फरिश्ते भी हैं और ऐसे फरिश्ते जो हैं वो गायब से आते हैं और वो गायब के जो फरिश्ते होते हैं फिर इस दुनिया में ही आपकी मदद करते हैं। और इस तरह माशाल्लाह आपका घर चल रहा है और इंशाल्लाह इसी घर से डॉक्टर निकलेगा, मास्टर निकलेगा, और इंशाल्लाह जो है यहीं से जो है एक DC भी आपकी बेटी इंशाल्लाह बनेगी, डिप्टी कमिश्नर। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अम्मा जी, एक पाकिस्तान के हक में नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह।